वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। हमने इसमें कहा था कि जो आदमी जो है वो हमारा जूता मार के आएगा वसीम रिजवी को। नमस्कार, मैं अमन रहा, आपका स्वागत है वीके न्यूज पे। वसीम रिजवी ने इस्लाम मजहब को छोड़ दिया, उनकी घर वापसी हुई और इस घर वापसी के साथ कई कट्टरपंथियों को भी मिर्ची लगने लगी। किसी ने तो गला काटने तक का ऐलान कर दिया तो किसी ने फतवा जारी करने की बात कह दी। ऐसे में सवाल ये भी है कि यही लोग देश को सेकुलर बनाने की बात करते हैं और जब कोई इस्लाम त्याग दे तो अपनी वो मनमर्जी से, तो इन्हें दिक्कत होने लगती है। शिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने जब से इस्लाम धर्म त्याग दिया है तब से भैया कट्टरपंथियों ने उन्हें लगातार निशाना बना रहे, उनके खिलाफ फतवे निकाल रहे, उनके सिर पर इनाम रखे जा रहे। इसी क्रम में एक बार फिर से जितेंद्र नारायण त्यागी के सिर पर इनाम रखते हुए ऐलान किया गया है कि जो भी उन्हें जूते मारेगा उसे 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। वो समाज को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम फसाद चाहते हैं। ऐसा लगता है कि साजिश के तहत वो सब कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से हमने इसमें कहा था कि जो आदमी जो है वो हमारा जूता मार के आएगा वसीम रिजवी को, उसको 11 लाख रुपए का हम कोई इनाम देंगे। जितेंद्र नारायण त्यागी पर यह इनाम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से ऑल इंडिया मजलिस से इताहुलद्दीन मुसलमीन मतलब AIM के महानगर अध्यक्ष वकी राशिद ने रखा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ मुस्लिमों ने जहर उगला हो। इससे पहले जब 6 दिसंबर को वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म अपनाया था तो उसके बाद हैदराबाद के कांग्रेस नेता मोहम्मद फिरोज खान ने उनके सिर पर 50 लाख रुपए का इनाम रखा था। फिरोज खान के बाद तेलंगाना के ही दूसरे कांग्रेसी नेता और विधायक राशिद खान ने भी रिजवी के सिर कलम करने का 25 लाख रुपए का देने का ऐलान किया था। और एक बार फिर से ऐलान किया गया है कि आप जूते मारो हम आपको 11 लाख रुपए इनाम देंगे। मतलब आप कट्टरपंथियों और इस्लामी को, इनको आप देख सकते हैं किस तरीके से वसीम रिजवी के धर्म बदलने से इनको तगड़ी मिर्ची लगी है। एक के बाद एक इनाम रखे जा रहे लेकिन कोई भी इनाम पूरा नहीं हो पा रहा इनका। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।